किसान आंदोलन के अतवादी हमले की संभावना के मद्देनजर संसद भवन की सड़क तो लैके आसमान तक सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। मानसून सैशन के दौरान संसद की 24 घंटे सुरक्षा होगी। संसद की सुरक्षा कई पद्धरों से की गई है। दूजे पास नवी दिल्ली जिला पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी हालत किसी भी ट्रैक्टर नवी दिल्ली के खेतर में दाखिल होने की मंजूरी ना दी जाए। संसद के मानसून सैशन तो पहला दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी दिन भर संसद के आसपास गश्त करते हुए विखाई दिए। किसानों ने मंगलवार को संसद भवन वाल मार्च करने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा कि मानसून सैशन दौरान संसद के बाहर किसानों द्वारा किए गए प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के नजिठण दिल्ली पुलिस ने सारिया तैयारियां भी कर लिया ने। एतवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को मुलतवी करने के लिए किसान जथेबंदियों मनाने की दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की पर असफल रहे। प्रदर्शन के लिए किसानों ऑप्शनल स्थान देने की भी कोशिश की गई पर किसान सहमत नहीं हुए। अजिहे स्थिति के 26 जनवरी को किसानों की हिंसा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस चिंता पा गई है। नवी दिल्ली के जिला डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने संसद में सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए ने। इतने सुरक्षा उन्होंने प्राथमिकता होगी। ड्रोन हमला के खतरे को देखदिया होया संसद के आसपास मल्टीलेयर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक धार्मिक जनतक इकट्ठा से DDA MA के दिशा निर्देशों तहत पाबंदी है। धारा 144 भी लगाई गई है। अजिही स्थिति बहुत सारे लोगों को एक थान से इकट्ठे नहीं होता चाहिए।